आपको मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको कि बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है मुझको, ये जो महंगाई है अभी और बढ़ेगी आगे। आज कुछ ऐसा ही कयास हुआ है मुझको, महंगाई काबू में नहीं आ रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई एम गुड ब्रो, एंड यू? आई एम फाइन एज वेल। बस अगर पंजाबी जाजो मेरी अंग्रेजी में होगी। इतनी जल्दी? इतनी हम होते ही ऐसे हैं। रुखमा से अंग्रेजी सीख रहा है। अच्छा, और रुखमा बेचारी आज क्यों परेशान है? मेहमान आई है तो मामा ने कहा कुछ बनाओ तो मुंह बना ले। और मुबारक दियो सर, फर्स्ट टाइम जहाज से सफर भी कर ले। उतर उठ के कह रही है कि हमारे मोहल्ले में स्कूल बन रहा है, हमारी मदद करें। जहाज में वो एयर होस्टेस खाना लेके आई तो उसे कह रही आप कपड़े भी ड्राई क्लीन कर लेती हैं। इन्होंने घर मेहमान आए थे, घर वाले इन्होंने कहते मेहमानों के लिए कुछ लेके आओ, तो वापसी का रक्षा ले आई। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त विजुअल आर्टिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट, जनाब आरएम नईम। एक विजुअल आर्टिस्ट आ चुके हैं और विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ी हमारी दूसरी मेहमान ने, और अब कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा मानूर हैदर। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है, आज मेरी फेवरेट आर्टिस्ट आई हैं जी, मानूर हैदर साहबा। क्या बात, बड़ी प्यारी हैं। शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया। किनके लिए? भाईजान के लिए। भाईजान का मैं बड़े अरसे से इंतजार कर रहा हूँ कि काश हमारे सामने आए, हम इनको देखें। आज हमारे सामने एक विजुअल आर्टिस्ट है, ठाकुर इनसे पूछते हैं रंग और ब्रश की अपनी एक रंगीन सी दुनिया होती है, सतरें जब सतरंगी होकर आपस में घुल जाती हैं, पेंटर का दिल, रूह और आंखें कैसे खिड़खिड़ हंसती हैं। अपना हुनर हर किसी को दिखाते होंगे, दिखाते होंगे, ना समझ को भी समझाते होंगे, समझाते होंगे। आपको देख के लग रहा है नहीं भाई, आपको जुडो कराटे भी आते होंगे। जी अरविंद साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक वासे, बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम देख के। लाइकवाइज, इट्स लवली टू हैव यू ओवर। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। तो आपको अंदाजा तो है? जी बस इज्जत महफूज रहे। ये हम सबकी उम्मीद होती है और मेरी खुद भी होती है हर शो स्टार्ट करने से पहले, मगर फिर भी जस्ट फॉर क्लैरिटी से, मेरे ख्याल से जो सर्विसेज आप कर रहे हैं और इसी तरह करते रहे तो 2-3 अस्पताल बंद हो सकते हैं। यस सर, अकरम भाई को इसीलिए छुट्टी दी, इनकी वजह से 3-4 अस्पताल बढ़ गए थे। मानूर, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने शो देखा हुआ है? मैंने देखा। आई बिलीव दिस इज ऑल्सो योर फर्स्ट टाइम ऑन द शो। फर्स्ट टाइम? यस। ठीक है, तो चले आपने देखा तो, आप दोनों ने देखा हुआ है। पहले तो एक चीज बड़ी आया मैंने नोटिस की है कि आप दोनों को क्या पता था कि आज आप पिंक के शेड्स के अंदर होंगे? ये अच्छा इत्तेफाक था, ये मैचिंग उधर भी है सब। नहीं, भाईजान ने कहा है जोड़े आसमान पे बंधे। आसमान का जिक्र किया था, जोड़ा आपने खुद डाला है। नहीं सर, ऐसा इत्तेफाक होता रहता है वैसे आपके साथ? नहीं सर, इतना खूबसूरत इत्तेफाक नहीं होता। इतना खूबसूरत नहीं होता, आमतौर पे इस किस्म का इत्तेफाक होता है। सर मुझे ये बताइए कि एक तो स्टार्ट 90s के अंदर हुआ फ्रॉम NCA, जब आप NCA के अंदर पढ़ रहे थे आपके जहन में था कि मैंने बाद में पढ़ाना भी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और बड़ी जिम्मेदारी का काम है, तो मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं पढ़ाऊँ क्योंकि मुझे लगता था मैं ये काम कर नहीं सकता, लेकिन समहाउ मेरे असातिज़ा जो थे उन्हें मुझ पर यकीन था तो मैं तो कराची चला गया था जी छोड़ के यहाँ से। दे कॉल्ड मी कि आप आएँ और पढ़ाएं, तो उस्तादों को हम ना नहीं कर सकते जी, हमने यही सीखा है बचपन से। मगर एक जबरदस्त लेगेसी है एवर सिंस यू हैव, आपने NCA से खुद ग्रेजुएट करने के बाद जो आपने लोग पढ़ाना शुरू किए हैं, मेरे ख्याल से खास तौर पे इस शहर के अंदर जितने बच्चे यहाँ से, जो कि बच्चे नहीं रहे बड़े भी हो गए, वो NCA गए, उनके अंदर कहीं ना कहीं आरएम नईम का हाथ जरूर लगा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, मैं खुदा का करम ही कहूँगा, लेकिन मेरा बिलीव है कि अगर आपको खुदा ने जो भी कुछ दिया है अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल अच्छे की उम्मीद ना रखें।
तो मैं बहुत ईमानदारी से कोशिश करता हूँ जो मेरे पास है उसका जो बेहतर हिस्सा है वो दे सकूँ। नहीं मगर आपने बड़ा जबरदस्त बेहतर हिस्सा बहुत ज्यादा मकदार में दिया है, वुड से इन द लास्ट, अब तो तकरीबन दो डेकेड से ऊपर हो चुका हुआ है कि आप ये मुस्तकिल तीन डेकेड्स में कि आप दे ही जा रहे हैं और एक बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है, नॉट जस्ट के विद टीचिंग किड्स के जिन्होंने एनसीए का इम्तिहान देना है मगर उसके बावजूद जो आप एनसीए में खुद भी पढ़ाते हैं, तो आई थिंक पिछले 30 साल में आपने एक कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त इंप्रेशन छोड़ा है ऑन द आर्टिस्ट्स दैट हैव कम आउट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। मेरा ख्याल इस मुल्क की अगर किस्मत बदलनी है तो आपको आर्टिस्ट को आगे लेके आना पड़ेगा, क्रिएटिव लोगों के हाथ में मुल्क देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं। ज़हीन टीचर है माशाल्लाह, आप इंसान भी अच्छे हैं, कोई ऐसा आपका स्टूडेंट जो आपने देख कर कहोगे ए मेरे को नहीं पढ़ाया जाना? होता ना मेरे जैसे स्टूडेंट। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा शौक उन लोगों ने दिया है कि जिनके बारे में मुझे गलत फहमी थी कि ये सीख नहीं सकते और वो आज पाकिस्तान के बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं। अरे क्या बात, वासिफ भाई भी आपके स्टूडेंट हैं। सर इनकी बीवी अलबत्ता मेरी स्टूडेंट। बिल्कुल, कम्युनिकेशन आपने पढ़ी, क्या आपने अपने दिल से पढ़ा था या कोई उस वक्त पेयर प्रेशर का सिलसिला था? नहीं नहीं, मैंने दिल से पढ़ा था, मैं इनके पास भी जाना चाहती थी। अच्छा, लेकिन मैं खौफ से नहीं गई, मुझे लगा था कि मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं इनकी स्टूडेंट बन सकूं। मेरे बैच में जितने भी सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे वो इनके स्टूडेंट्स थे। इनके स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल। आई थिंक व्हाट शी इज डूइंग इज अमेजिंग, आई थिंक वो उसके लिए क्लैप बनती है मेरे ख्याल से। और ये एक्टिंग वगैरह में जो आप आईं, ये भी क्या हादसा था या कोई पहले का ख्याल था? बस खुद ही हो गया। ये खुद ही कैसे होता है? जैसे मोहब्बत होती है, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की कॉल आ जाए। ये क्या मतलब, वैसे ही आ जाती है? मेरा काम देखा था उन्होंने, मुझे काम देखा था आपका। मतलब यू नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर? नो, आई ऑलवेज वांटेड टू बी। यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? आई वाज आई थिंक 3-4 इयर्स ओल्ड व्हेन आई न्यू दिस इज व्हाट आई विल बी डूइंग। ये 3-4 साल की उम्र में आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि हमने क्या करना है? मुझे तो याद भी नहीं है 3-4 साल में। आपको याद है 3-4 साल में क्या करना? दिस इज द ओनली थिंग आई एवर वांटेड टू डू। रियली? एंड व्हाट वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर यू और पर्सन, और कोई ऐसी कोई था, कोई एक्टर थे जो आपको बहुत पसंद हो, जिनको आप बहुत देखती होंगी उस टाइम पे? मुझे मेमोरी तो अपनी इतनी नहीं याद, लेकिन मतलब मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम हमेशा से ही ऐसी थी, जिस तरह अगर टीवी है तो आई विल बी डांसिंग एंड आई विल बी वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाटएवर इज हैपनिंग। जैसे आपदा जी के को सुनने जाते थे, ये मुझे मेमोरी नहीं है, वो कहती हैं कि तुम बैठती नहीं थी, तुम बस नाचती रहती। एनसीए में बाकी टीचर्स भी आपकी तरह गुड लुकिंग है कि वो? ओए होए, बाकी टीचर्स आपकी तरह गुड लुकिंग है? आप सवाल पे गौर करिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी तरह वो अच्छे आर्टिस्ट है या नहीं, उन्होंने कहा गुड लुकिंग है या नहीं है। हमने टीचर्स देखे हुए थे जो हमारे दौर में थे। आई थिंक ये बहुत इंटेंशनल है, उससे पहले जो माफी के साथ जो हमारे मीडिया ने और फिल्म ने और इवन लिटरेचर ने जो आर्टिस्ट का जो तारुफ कराया था, जो इमेज बनाया था, वो इतना पैथेटिक था कि उसको देख के कोई माँ बाप अपने बच्चे को बनाना नहीं चाहता कि वैसे बने। आई थिंक वी इंटेंशनली ट्राइड कि इमेज बेहतर हो उसका, उसे बात करना भी आए, वो नज़र भी ठीक आए, वो किसी लेवल पर रिप्रेजेंट भी कर सके, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सके कुछ ही। तो ये इंटेंशनल एक प्रैक्टिस थी हमारी कि हमने वैसा आर्टिस्ट नहीं बनना जो हमसे पहले जनरेशन थी। अच्छा सर, ये जो आपका गेटअप है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़े आर्टिस्टिक से लग रहे हैं। हाँ। अभी भी लग रहा है आपको? अच्छा, मैं जिस तरह शुरू इसी में समझा कोई अकलमंदी वाला सवाल करेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि ये जो आपकी मस्टैश है और ये जो बन है, ये सब इंटेंशनल है या आपको शौक है ऐसी लुक रखने का? मेरा एक और एंगल है जो वासे जानते होंगे शायद, मॉडलिंग का, तो वो भी है एक चैप्टर। मगर ये आप पहले नहीं थी, दिस वाज नॉट ऑलवेज समथिंग दैट यू हैड। असल में मुझे जितना बच्चकल होने के ताने मिले ना, खास तौर पर मेरे मीरपुर खास में दोस्त है, वो सुन रहे होंगे डेफिनेटली, उनके लिए कर्ज है आज मैं यहाँ बैठा हूँ। वो लोग ये कह रहे हैं कि मैं खुश शक्ल हूँ। तो अपनी किसी कमजोरी को आप इस तरह से ओन कर ले तो आई थिंक वही आपका बेहतर हिस्सा बन जाती है। क्या बात, कभी आपको तमिल फिल्मों की हुई ऑफर? सीरियसली, seriously I got an offer. Oh yeah, seriously. Oh my god, I was traveling, ek long flight pe ek banda tha producer jo tamil filmon ka tha. Achha. He offered me a film. Even pehli morning offer bhi mujhe Sri Lanka se hui thi, jisko maine non serious liya tha aur mujhe laga shayad mazak uda rahe hai mera. Magar nahi, this look is really working for you. Aur of course uske andar I think aap ko bahut shukriya ada karna chahiye apne jeans ka bhi, ki aapke baal jo hain mashallah, you've got a beautiful set of hair aur पूरी एक लुक आपकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ये कहीं आपने कोविड शोविड के करीब तो नहीं कोई ऐसी कोई हुई थी? एक हम इमेज मेकर हैं, हमें इमेज देखना आता है, बनाना भी आता है। क्या बात। नहीं मगर पहले मुझे याद है यूज्ड टू हैव अ वेरी सिंपल वो आपका था, मगर फिर एकदम हमने एक चेंज ओवर देखा आपके अंदर वाले जींस में। उसके बाद भी कुछ अरसे तक आप बड़ा वो रहे, 2000s के लुक के साथ चलते रहे थे। हाँ, मैं कभी बैंकर बन जाता हूँ उस तरह का हुलिया बना लेता हूँ, कभी किसी और तरह का, जब भी मौका मिले। जींस का ख्याल रखना चाहिए, रखना चाहिए सबको।
क्योंकि मैं कल नहीं ले गया, मेरी को उठा के ले गया। ओ भाई ये रिफ्यूजी जींस की बात हो रही है, क्यों तुम इसमें जा रहे हो? अच्छा अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि इनको तो 3-4 साल की उम्र से ही था कि मैं ये करना चाहती हूँ, आपको भी क्या ये बचपन से ही कहीं था? नहीं सर, हम तो गरीब घर में पैदा हुए, हम 7 बहन भाई थे, तो हमारे यहाँ माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे घर से बाहर निकलें, कोई भी काम सीखें। तो मैं जब 5 साल का था तो तब से मैं नौकरियाँ काम कर रहा हूँ, तो जिसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं, मेरा ख्याल है मैंने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम वही गुजारा है कि बहुत अर्ली स्टेज से मैंने सीखना शुरू कर दिया था। तो मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे वाकई नहीं याद कि मैं स्कूल भी गया हूँ फिफ्थ तक, क्योंकि आई वाज सो बिजी इन अदर थिंग्स, आई वाज एंजॉयिंग मोर दैट साइड। अच्छा, इतनी अर्ली एज से आपने कर दिया था शुरू ये काम? जी, मैं अमीर बच्चे होते हैं ना, उनका होता है, वालदेन जब पैदा होता है तो पैसा इतना होता है कि मेरा बेटा पायलट बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। साढ़े पर गरीब जड़े होंगे ना, अजय पैदा होता तो माँ प्यो कह रहे होंगे वड्डा होके काम से कदों जाएगा। हमारे जो गरीब माँ बाप, जो मेरे माँ बाप थे, उस पूरे कल्चर में मैंने कभी किसी माँ बाप को अपने बच्चों की तारीफ करते नहीं सुना। जब मैं एनसी आया पहली दफा, मैंने देखा कि माँ बाप तारीफ भी करते हैं अपने बच्चों की। तो आपको अजीब लगा उस वक्त कि ये? मुझे लगा पता नहीं ये इसके असली माँ बाप हैं भी या नहीं। हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है, हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है, हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मायनूर ये बताएं, आपने जब एक्टिंग स्टार्ट की, लोग यूजुअली थिएटर से करते हैं, टेलीविजन से करते हैं, आपने डायरेक्टली फिल्मों से स्टार्ट कर दिया? नहीं जी, मैंने थिएटर से स्टार्ट किया था 2011 में। अच्छा। मैंने थिएटर किया था पहले 2013 में, आई स्टार्टेड मॉडलिंग। ओके। एंड देन आई डिड तीफा इन 2017 एंड पर्ची, दोनों मुझे इकट्ठी मिली थी, शूट भी इकट्ठी हुई। ज्यादा एंजॉय थिएटर को किया या फिल्म को? तीनों मीडियम्स बहुत मुख्तलिफ है, मैं कभी कंपेयर नहीं करती। एक्टर का मीडियम हमेशा थिएटर होता है, जैसे हम थिएटर करते हैं हमें ज्यादा मजा थिएटर में आता है, ऑलवेज फिल्म में पैसे आते हैं। अच्छा, लोग बातें करते हैं कि खूबसूरत लड़कियां सच्ची होती हैं जी, तो आज आप सच बोलेंगे? एक पूछें आपको मैं कैसा लगता हूं? बहुत अच्छा। खूबसूरत लड़कियां इतनी सच्ची होती हैं, बस फिर सोच ले कितनी को सच्ची होती होगी। अच्छा चलो, मैं तो प्यारा लगता हूँ, जैसे आपके फैंस बहुत ज्यादा हैं, लोग आपको चाहते हैं, तो आप भी तो होंगी जिनको पसंद करती होंगी, जिनकी फैन होंगी आप? मुश्किल सवाल। वो कह रही मेरे ज़हन में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक आइडियल तो होता ना बचपन से, अगर 3 साल में आप एक्टिंग में आ गई हैं तो ये भी तो ज़हन में आएगा ना कि किनको देखना है, तो कोई आइडियल होता है जिंदगी में, कैसा शख्स हो, आंखें कैसी हो, कितना खूबसूरत हो, बिजनेसमैन हो? आप शादी के लिए पूछ रहे हैं? जी हाँ, मैं आना उतो ही इफ्तिताह इतो ही कर दें जी। इनका एक डे टाइम बिजनेस भी है जी, जी। एक मैरिज ब्यूरो का। अच्छा। सुबह 9 से 5 ही वहाँ बैठते हैं, उसके बाद ही हमारे पास आ जाते हैं। और आपने टेंटों की फिक्र नहीं करनी, वासे भाई का अपना काम है वो। मेहंदी के लिए हमारे पास सिंगर कोरियोग्राफर भी मौजूद है, वन स्टॉप शॉप किस्म का आपको हम सलूशन देंगे। ये जो हमारे पास सिंगल गेस्ट आते हैं, फिर हम उनको शो के बाद अपना कार्ड देते हैं। और आपकी फेवर में हमने निकाह खान साहब भी बुलाए हैं। ऐसे कोई आपकी है कोई विश लिस्ट, आपके एक्टर्स कोई हैं ऐसे जिनके साथ सोचा कि आई वुड लाइक टू वर्क विद देम, दे कैन बी एनी फ्रॉम एनीवेयर? नहीं, मैंने नहीं सोचा। कोई एक्टर है ही नहीं, कोई हॉलीवुड से लेके यहाँ तक कोई पैदा ही नहीं हुआ? मैंने अभी सोचा ही नहीं। क्या आप सोचती रहती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये क्यों नहीं सोचती। मनूर आप क्या सोचती हैं जब आप काम नहीं कर रही होती? मैं क्या सोचती हूँ? मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं। आइए ना, हंसी आइए ना। सोचा करेंगे। अगर नहीं, एक्चुअली में व्हाट डू यू थिंक? दिस डेज ऑनेस्टली आई डोंट हैव टाइम टू थिंक इवन। यू डोंट हैव टाइम टू, यू आर वर्किंग ऑल द टाइम अराउंड द क्लॉक। जैसे अरमीन साहब, ये कैसे होता है कि आप बिल्कुल कुछ सोच ही ना रहे हो? यार बड़ी ब्लेसिंग है, है ना? काम इतना है, सोचने का टाइम नहीं। बड़ी बात है। जब आप शादी करेंगी, आप अचानक वैसे ही कर लेंगे, पता नहीं होगा कैसा है वो, क्या करेगा, क्या करता है, कुछ नहीं सोचेंगे। इस तरह के वैसे आपको बहुत से फैंस के आते होंगे मैसेजेस? बहुत बहुत ज्यादा। फिर हमें भी बताएं कि कैसा होना चाहिए, आपके ख्याल से वो उनको बताते हैं? मुझे तो चले कोलीग भी हैं थोड़ी बहुत। चले अच्छा, वो कह रहे हैं कोलीग भी हैं थोड़ी बहुत। अभी 3 मिनट हुए तेनू बैठे थे। बताने लगी है, बताने अच्छा, लगी उनको लग रहा है। नहीं, मैं कह रही थी कि इधर शायद मैं ना करूं।
इधर नहीं कहेंगी नहीं आपको बताना चाह रही आपको इससे सटल हिंट लेनी चाहिए कि बाहर के मुल्क करना चाह रही है वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रही है इसके बाद कोई एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए आप हम तो फैन है दिल तोड़ भी दें फिर भी मैं तो इनका फैन ही रहूंगा मगर ये मुझे एक बड़ी अजीब बात लगी कि यू डोंट हैव एनी सेट ऑफ पीपल दैट यू वुड लाइक टू वर्क विद और हुज वर्क यू फॉलो और कई बार होता है ना यू नो आई डोंट फॉलो एनीवन मुझे हर एक का काम अच्छा लगता है एक आध कोई ज्यादा भी होता है ना जिस तरह मुझे फॉर इंस्टेंस डैनियल डे लुइस बड़े पसंद है मुझे लगता है वो बड़े एक बला के एक्टर है तो वो बाकी एक्टर भी मुझे पसंद है मगर एक कोई इनमें से होता है जो थोड़ा ज्यादा स्टैंड आउट कर जाता है कौन जॉनी लीवर अच्छा कोई एक ऐसे तो होंगे ना जिसको देख के आपने एक्टिंग शुरू की हो वो कह रही कोई ऐसा नहीं आपसे ज्यादा तो मैं खुद अपने से ये सवाल पूछती हूँ यानी कि आज से पहले आपको ये सवाल आया ही नहीं था आप हमारा वेट कर रही थी नहीं मैं कह रही हूँ मैं खुद से पूछती हूँ मुझे भी नहीं पता और कोई जवाब नहीं आता कोई नाम लेके इन्हें को साड़ी जान छड़ा दे कोई नाम लेके नहीं तो ये आपसे पूछते रहेंगे जैसे नहीं भाई अब सच बताएंगे तुसी इतने प्यारे से तुसी पर्स दे विच कदी अंजुमन साहिबा दी फोटो रखी अंजुमन सर पेंट बहुत किया पेंट बचपन में सरना बोर्ड पे पेंट किया करता था तो उन्हें बहुत पेंट किया और दो तीन लोग थे जो हमें वैसे याद थे फोटो की जरूरत नहीं होती सुल्तान राय साहब मुस्तफा कैशी साहब अंजुमन बहुत सारे इंक्लूडिंग वहीद मुराद बहुत सारे लोग थे कभी अकरम राय की फोटो बनाई होगी सुने गाने उसके सर आपको गिटार आती है ये वाहिद एक मसला है जो खुदा ने मतलब मुझे लगता है कि किसी को उसने बहुत ही ब्लेस करना तो उसको म्यूजिक से ब्लेस करता है लेकिन वो हमने दुआ की थी कि जब खुदा हमें औलाद दे तो पहले तो था कि माँ और बच्चा सेहतमंद हो फिर था कि बेटी हो और थर्ड ये था कि जो भी हो सुर में हो आपके बारे में एक और चीज है कि आप बहुत सीरियस भी रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ये क्या कोई डिलिबरेट चीज होती है या इज इट जस्ट समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू यू आई थिंक मुझे लगता है दुनिया का सबसे सीरियस काम टीचिंग है वहाँ मजाक हो नहीं सकती ओके लेकिन मजाक भी होगी तो कुछ समझाने की इंटेंशन से होती है तो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जिस तरह के आर एम नईम क्लास में मौजूद होते हैं वो कोई और होते हैं और आर एम नईम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बहुत है ये भी नुकसान उठाया है सब आपकी पेंटिंग के अंदर जो हमें बड़ी देखिए एक बच्चा एक आप बड़ा प्रोमिनेंटली करते हैं अपनी पेंटिंग्स के अंदर डाल देते हैं इज इट लाइक अ सिग्नेचर थिंग और आर्टिस्ट का सिग्नेचर ऐसा कोई भी नहीं होता टाइम के साथ साथ सब्जेक्ट के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती हैं तो वो एक सिंबल ऑफ होप के तौर पर बच्चा अच्छा तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जो आज के बच्चे उनके लिए हम कुछ ऐसा करें हम उनको एक बेहतर फ्यूचर दे के जाए सिंबलाइज करता है वो उसको Okay. सर एक मैं सीरियस सवाल पूछना चाह रहा हूँ अगर आप नहीं जानते तो अभी तक उनसे बहुत कॉमेडी सवाल कर रहा था आजकल हम बच्चे जो खासकर लड़के होते हैं जो वो कमजोर हैं पढ़ाई में उनके लिए कोई अवेयरनेस कोई बता दें कि माँ बाप क्या करें ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें असल में पता है बाय बर्थ कोई भी बच्चा ना कमजोर होता है दिमाग सबको खुदा ने कोई एक हुनर दे के भेजा है लेकिन आप जबरदस्ती उन्हें डॉक्टर इंजीनियर और कुछ और बनाना चाहते हैं अगर उन पे छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा करेंगे वो तो कहते हैं नहीं पढ़ना दुनिया की बहुत सारी एग्जांपल हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा लेकिन उनका क्राफ्ट बहुत हाई है नहीं सर मेरी भी फीलिंग ये है कि जो बेटियां होती हैं ना ये ज्यादा पढ़ती हैं सर ये नंबर बहुत अच्छे लेती हैं ये टॉप करती हैं मुंडे सारे इस तरह के ही होते हैं यही सच होनी चाहिए कि जिस मुल्क की औरत तरक्की करेगी वही मुल्क तरक्की करेगा आपको म्यूजिक से लगाव है सुनने की हद तक बहुत उसके अंदर को पता है कौन आपका फेवरेट चल रहा है हाँ, आबदा परवीन जी आबदा परवीन साहिबा बचपन से आपने चले ये तो एक चीज तो शुक्र है हमें पता चली कि आबदा जी हैं तो एक हमें कोई नाम मिला है आज आपसे उनके अलावा कोई सिंगर नहीं सुना अली जफर के साथ काम किया है मगर वो नाम नहीं लिया आपने ये स्पून फीडिंग कर रहे हैं मगर वो नहीं आ रही इसके ऊपर अली को बताते हैं फोन कर उन्होंने बिल्कुल ना एक्ट्रेस की जोन में नाम लिया ना सिंगर्स की जोन में नाम लिया है और नॉट जस्ट अली जफर उसमें और भी अदाकार थे उनमें से भी कोई अभी तक नहीं आया आपके साथ अभी आपका ड्रामा चल रहा है बेटियां उसके अंदर भी कोई अदाकार कर रहे हैं काम जी उसामा ताहिर है मेरे साथ उसामा ताहिर है आपने अच्छा उनका भी नाम नहीं लिया चले मैं फातिमा अफंदी का लेती हूँ आजकल मैं उनसे सीख रही हूँ ओए ये देखें फातिमा अफंदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा अफंदी इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं कि कुछ सीन्स में एक तो खूबसूरत भी बहुत हैं कि वो जब मेरा और उनका सीन होता था तो मैं उनको देखती रह जाती थी और मैं भूल जाती थी अच्छा वो इतनी अच्छी ये तो फिर आजकल की जनरेशन जिस तरह कहती है फातिमा अफंदी थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग अच्छा वैसे जितनी आप प्यारी हैं माशाल्लाह आप जितना प्यारा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेकअप <laughs>
1 2 3 4 दो तीन घंटे की लोड शेडिंग होंगी ने क्या 6 घंटे हो गए बत्ती नहीं आ रही मैं बार महल पूछा बार आया ड्यूटी चला गया एक दिन लेट हो गया तो मीटर ला के लै गए अगु थाने आया कोई फड्डा पिया हो पूरे महलेदार लड़ पाए अच्छा मिठाई का डब्बा रखिया मैं क्या 2 किलो मिठाई ले आए हो थाने दे विच 30 बंदे ने एक एक टुकड़ा खावांगे केडी शर्म वाली गल है कहंदे ने नहीं 4 टोकरियां होर भी आ रही हां उसला सफाई दे विच टोकरियां सारे मैं स्टाफ नूं दित्तियां आप मैं 2 किलो कल्या ने खाधी दौरा कोई स्टाफ नहीं मक्खियां ही मक्खियां परेशान इनियां मक्खियां एक थाने च होंदियां ही नहीं बिल्कुल स्टाफ सारा बेहोश ते उत्तो हवालात खाली आई कैन इमेजिन वो सारे हवालात ही भज गए बिल्कुल फिर मुबारक हो एक हफ्ते वास्ते मुअत्तल कर गए बड़ा काम किया नहीं तो शुक्र करो डीएसपी साहब आ गए नहीं तो मक्खियां इन्हें चुक के ले चली गई पर ऐसी गल नहीं है वो को पहली बार नहीं चुक के ले चली सन लेकिन जो भी लैके गई किधर ना किधरे सुट के गई नवाज शरीफ साहब मेरे कायदे कहने मैंने उन्होंने भर्ती कराया इमरान खान साहब ऐसा कहना सी अजकल उन्होंने हुकूमत नहीं है आरएम नईम साहब भाई ऐसी मोतबर शख्सियत ने यही बड़ी गल है कि अज उन्होंने मैं अपने को नेड़े वेख रहे नहीं तो ये दूर दूर ही रहिंदे ने भाई इन्होंने बड़ी खिदमत की इस मुल्क की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाया है और इस वे उन्होंने भी बड़ा ना है इन्होंने तो ना है ही है तो रहना ही रहना है तो तीफा इन ट्रबल पूरी देखते ना 6 बारी वेखी ना समझ आई फिर अखीर मैं जाके वेखनी पई क्योंकि मैं वाली जफर साहब का भी फैन हाँ अच्छा। क्योंकि यार उन्होंने जो भी काम किया है जिंदगी दे विच मुस्तनद पावरफुल और पायदार किया लिरिक्स लिखे ने ते वधिया जी जी गाया वधिया जी फिल्म च भी उन्होंने एक्टिंग की ते तबाही कर दी ते तुसी भी माशाल्लाह मां नूर हैदर साहब स्क्रीन ते आईया ने मैं बाहर निकल गया सिर्फ लैने च नहीं लगता अच्छा पिछली बार मैं एक बार लैने च लाके टिकट लैन लगा पिछू कोई मोबाइल लै गया मेरा मोबाइल लै गया यार मैं हैरान हो गया उत्तों कोई रिपोर्ट ना करे तो गुरु साडे थाने दा मसला ही नहीं हां तो नुकसान हो गया इस वक्त मैं सिफारिश नाल ले लेना अच्छा हां वो फिर पैसे नहीं ना देंदा सिफारिश नाल ही फायदा हुंदा सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि आ मेरे बच्चे वेखण मेरे बच्चे भी तुहाडे फैन ने सर हम पूरा पाकिस्तान आपका फैन है सर कैन आई सेल्फिश विद यू सेल्फी होता है माशाल्लाह आज मैं लाऊंगा फेसबुक पे मजे आएंगे मैम कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज
माशाल्लाह भाई तीफा इन ट्रबल सच्ची मुची अगर चली है ना जी ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰ ਐਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਐਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂ। ਆ ਜੀ ਓਏ ਇਹ ਸਾਸਮੰਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਕਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਹਫੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੰਡਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ। ਆਵਾਮ ਕਾ ਸਵਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਆਈ ਐਮ ਯੂਸਰ ਅਮਜਦ। ਔਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੀ यूसुफ बशीर कुरैशी से काफी रिजेम्बलेंस है, तो कभी लोगों ने उनके साथ आपको कंफ्यूज किया है? दोस्त हैं हम दोनों बहुत अच्छे। अच्छा। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मैं उनसे मिलता हूं, वो मेरे से मिलते हैं। कभी कंफ्यूजन हुई किसी को? असल में हुलिया के बाद जब मैंने मॉडलिंग शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी और इंडिया में भी कुछ लोगों ने तो मेरे दोस्तों ने कॉल करके कहा कि अब हमारे पास भी दो चार आर एम नईम है। अच्छा वहाँ पे भी है। मगर एक और आपकी असरार जो सिंगर है उनसे भी एक जब उनके बाल लंबे थे कुछ लोग हल्की सी मिलती थी। बस ट्रैवल करते हैं बड़े वो होते हैं, कभी कोई कुछ आके किसी और नाम से फोटो खिंचवा लेता है कभी किसी और। और ये आप कुछ खास करते हैं ये बालों के लिए? कोई आपके पास है नुस्खा? दुआ करते हैं। दुआ से चल रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शमील। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि जब आपका पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा दिल करता है तो दिन का ऐसा कौन सा टाइम है जब आपको पेंटिंग करना पसंद है? मुझे लगता है सारे अच्छे कामों के लिए सुबह का वक्त जो है सबसे खूबसूरत वक्त है। वाओ। जो खुदा ने बनाया भी इसीलिए कि सुबह के 8 घंटे अगर आप रियाजत कर लें किसी भी काम की तो अगले आपके जो 16 घंटे हैं वो बहुत अच्छे गुजर सकते हैं उन 8 की बुनियाद पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरीहा है और मेरा मानू मैम से सवाल है। आप एक फेमस और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, अगर आपको इंडिया से ऑफर आती है तो आप काम करेंगी? डिपेंड करता है कि क्या चांस है। प्लीज ना बोलिएगा वरना इन्होंने अभी आप मुझे पता अगली बात कर रही अच्छा बोल लेती हैं। अच्छा जी फिर ये कहें कि वे मौलिया तू मेनू बड़ा चंगा लगना है। मैंने बोलना ही नहीं। नहीं वो तुम्हें मौला जट कहना नहीं चाहता। आप ये कहने वे माड़िया ते माड़ा ना ना कोई इंसल्ट होंदी है वे एंकरा। अच्छा क्वेश्चन है जी। माय सेल्फ हाफिजा इस्मा। आपने जो रीसेंट ड्रामा किया है बेटियां जी, तो मतलब आपने वो रोल क्यों लिया के सब आपको मेन टारगेट किया गया ना, मतलब इतना वो डिफिकल्ट रोल था? क्योंकि इससे पहले जो मैंने 2 रोल्स किए थे वो बहुत नेगेटिव थे तो पॉजिटिव यही था तो मैंने कर लिया। वाओ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आशिर है। मेरा मैम से सवाल है, तो अभी आपने एक टीवी कमर्शियल किया था फवाद खान के साथ जी, लीड पे, तो फवाद खान की हीरोइन बनने के लिए कितना लुक्स मैटर कितने करते हैं? इंटरेस्टिंग लगा मुझे सवाल ये पहली बार किसी ने कि फवाद खान की हीरोइन बनने के लिए लुक्स कितना मैटर करती हैं। मानूर खुद भी अजीब सी होगी कि ये कैसा सवाल। मुझे ये नहीं पता कि वो मैं फवाद की हीरोइन थी उसमें, मैं 18 की एम्बेसडर थी, मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट था। वो आगे जो भी होता है चाहे फवाद खान होता है। उसके बाद मैंने अदनान के साथ भी किया है। सर मेरा नाम अरशद है। मेरा सर से सवाल है, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि आपका ताल्लुक मीरपुर से, और मतलब उस वक्त ट्रेंड भी नहीं था, लोग पेंटर मतलब इस फील्ड में आने वाले समझ नहीं थी लोगों को, तो आपको मतलब आपने तो एक जिहाद किया ऐसे इलाके से आप आए और फिर आके आपने तालीम हासिल की, वहाँ पे तो और ज़्यादा मुश्किल होगी। दूसरा सर एक थोड़ा सा मजाक के तौर पे, सर मैंने पूछना ये था कि वहाँ वडेरे होते हैं मीरपुर में, कभी किसी वडेरे ने आपको कहा कि इन्हें पैसे ला के साडे चंगा जहा दादा बना दे? बड़ा मज़े का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम वहाँ पे लोगों के पोर्ट्रेट बनाया करते थे, तो एक मैंने पोर्ट्रेट बनाया हुआ था दिलीप कुमार साहब का, वो लगा हुआ था, तो जो बनवाने आते थे पोर्ट्रेट बाप की या दादा की तो उनकी सबकी ख्वाहिश होती थी कि वो दिलीप कुमार जैसे लगे। अच्छा। मगर वाज इट डिफिकल्ट हिज क्वेश्चन उससे पहले था कि कितना मुश्किल था आपके लिए जमाने में उस? हाँ मेरे ख्याल है कोई इम्पॉसिबल था सब कुछ,
ये सोचना भी, क्योंकि मेरे ख़ानदान को ये नहीं पता था कि आर्ट पढ़ा भी जाता है, और वहाँ पे हमेशा वही कि डॉक्टर या इंजीनियर। औलाद अगर बेटा है तो ये, अगर बेटी है तो उसको एक दो चीज़ें और अलाउड थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये सोच के निकला था शहर से कि जब मैं निकलूँगा तो ये इमेज मैंने ज़रूर चेंज करना है शहर से। और उसके बाद उस शहर से लड़कियाँ भी आई और बहुत सारे लड़के भी आए जो बड़ा मतलब नून है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सर वो कौन सी ऐसी तस्वीर है जिसके आपने बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं? ये इनका फेवरेट सवाल। आपकी बनानी है अभी मैंने। ओए होए होए। अरे सर, हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, उसके अंदर मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, सवाल पूछूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, उठ के जा सकते हैं, जनरल नॉलेज में जा सकते हैं। ये आपका डेमोक्रेटिक हक जो है वो है कि जनरल नॉलेज में आप जा सकते हैं। तो लेट्स सी कि आप लोग कैसे करें। लेडीज फर्स्ट नहीं सर, ये आजकल के दौर में ये भी एक मसला हो गया कि आप एमी अब लेडीज फर्स्ट ना करें, इक्वालिटी का जमाना है। तो वो उन्होंने कहा है कि पहले आरएम नहीं सब जाएंगे। चलें जी, ये भी एक मसला आ गया हुआ है अब। जी बिल्कुल सर, ये बताइए इनमें से किसकी आप पोर्ट्रेट बनाना चाहेंगे, चाहे वो बाय से मजबूरी ही हो। ऑप्शन आपके पास जो है वो है जनाब शहबाज शरीफ, जनाब असफंद यार वली और जनाब आसिफ जरदारी। जरदारी साहब का, जरदारी साहब का होगा वो चेहरा। ठीक है, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, तीन लोग उसमें मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप सिर्फ एक स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कद्दूस मिर्जा साहब, मुर्तजा जाफरी साहब और इमरान कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे आप? मैं कोई दवाई लूंगा जिससे थोड़ी देर के लिए सो जाऊं मैं। आपने सेल्फी लेनी है, देखे आप चलाकी नहीं मार सकते। मैं बड़े से छोटे की तरफ आऊंगा। ठीक है, तो जाफरी साहब के साथ में सेल्फी लेंगे, स्माइल दे रहे हैं। हमारे उस्ताद हैं, उनके साथ स्माइल, और राशिद दोस्त है तो राशिद को कहूंगा यार उतर जा थोड़ा। राशिद राणा को आपने कहा है कि फ्लोर आ चुका हुआ है? कोई बात नहीं, दोस्त है। ठीक है, वो दोस्त है, उनका फ्लोर आ चुका हुआ है। कुदूस जी, कुदूस सर पढ़ाया उन्होंने मुझे भी। जी आप क्या समझ रही हैं, वो बहुत बड़े नहीं, वो मेरे भी टीचर थे। सर ये बताएं, आप एक स्पेस शटल के अंदर बैठ के चांद पे जा रहे हैं, आप अपने साथ किसी एक शख्स को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप चांद पे ही छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फैसल कुरैशी और अली जफर। यार दोनों मेरे इतने प्यारे हैं, मुझे पता है बिल्कुल। चांद पे अच्छा लगेगा अली जफर। अली जफर, वाह वाह, ठीक है अली जफर चांद पे। आपने टाइटैनिक तो देखी होगी फिल्म, अज्यूम करते हैं कि आपके पास टाइटैनिक के दो वीआईपी पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, लेकिन दूसरा वाला डूब जाता है उसमें। सर ये देखिए, वो जो भी होगा, हो सकता है पहले तो कि ना डूबे, मगर बिफोर दैट इट दे गोइंग टू बी 2-3 डेज। अच्छा, तो अब ये आप बताइए कि आप किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं मोहतरमा शीरी मजारी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। शीरी मजारी मेरे जानने वाले, उनको ले जाएंगे। उनको ले जाएंगे, ठीक है। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महानूर हैदर और कैसर पिया। भाई भरा कंधे दें दे जी। बस वो कंधा ही देंगे बचाएंगे तो नस्लें बचेंगे। औरत की इज्जत करेंगे, औरत बचाएंगे तो नस्लें बचाएंगे। मैं उनको बचा नहीं, जो भी है मानूर ले गई है लाइफ जैकेट। मानूर तो फिर हमारी जान भी ले जाए, हम हाजिर हैं। नहीं फिलहाल सिर्फ लाइफ जैकेट। अच्छा जी, मानूर रहनी है आप जी। मानूर, आधी रात का वक्त है, شدید बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है आपके पास, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। शेख रशीद, मानूर एक लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई हैं, तीन लोग उसमें मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उसामा ताहिर, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? उसामा। ठीक है, स्माइल किन को दे रही हैं? फहद मुस्तफ़ा को। फहद मुस्तफ़ा को स्माइल दी और फ्लोर आ गया है फवाद खान साहब, आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किन को आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं फातिमा अफंदी और माया अली। प्लीज, मुश्किल हो गया ये। फातिमा को। फातिमा अफंदी होंगी वो, ठीक है। आपने भी टाइटैनिक यकीनन देखी होगी, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फुरकान कुरैशी, दानिश तैमूर और अदनान सदीकी। अदनान इज गुड कंपनी। अदनान सदीकी, ठीक है जी। अदनान सदीकी होंगे वो जो कि टाइटैनिक पे साथ जाएंगे, डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं एहसन रहीम और अली जफर। एहसन रहीम। एहसन रहीम होंगे वो। मानूर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शुक्रिया मैं आपका जाती तौर पर भी अदा करना चाहता हूँ। वो इसलिए सर के आज से बहुत साल पहले की बात है कि मैंने ए लेवल्स किया और उसके बाद हमें हुआ कि अब हम क्या करें। तो हमने पता किया, तो उस ज़माने में ये BNU वगैरह तो नहीं थे, सिर्फ NCI होता था। तो मुझे किसी ने कहा कि एक आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज है, वहाँ पे चले जाइए। मैंने कहा अच्छा, कैसे जाना है ये तो हमें पता ही नहीं है। उन्होंने कहा जी वो पेंटिंग सीखनी पड़ेगी, ड्रॉ श्रॉ करना होता है, मुझे बिल्कुल ज़ीरो। तो हमने कुछ जानने वालों से पता कि उन्होंने कहा जी वो RM नईम एक साहब हैं, वो उनकी अकेडमी है, वो सिखाते हैं, तो आप उनसे जाके सीखिए। वो उनका बच्चा कन्फर्म NCA में चला जाता है। इनका स्टूडियो का मैंने पता किया और मैं एक बहुत शाये बच्चा था उस ज़माने में ख़ास तौर पे, तो मैं चला गया इनके स्टूडियो। और मुझे अभी तक याद है, शाम 4-5 बजे का वक्त था, गर्मियों की छुट्टियां जिस तरह होती थी उस वक्त, मैं गया और घर के बाहर जाके दरवाज़ा खुला हुआ था, मेन गेट, 2-3 स्टूडेंट्स मेरे से आगे पहले चले गए। तो आई गेस्ट के ये रास्ता ऊपर जाता है, तो मैं भी उनके पीछे चुप करके, उन्होंने अपने बोर्ड्स उठाए हुए थे, वो चले गए। मैं ऊपर गया, ऊपर जो हिस्सा है वहाँ पर जाके मैंने देखा बच्चे बैठे हुए हैं, वो ड्राॅइंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ जाके पूछा कि जी RM नईम साहब कहाँ होते हैं? तो किसी एक बच्चे ने इशारा किया कि वो उधर है। तो उतनी देर में साहब बाहर आए और उन्होंने आँख में कहा जी आई एम श्योर, मुझे पहचान गए कि मैं एक ऑड वन था, बाकी को जानते शक्लों से। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी मैं इस तरह NCA में जाना चाहता हूँ और मुझे आपका बताया तो मैं क्लासेस लेना चाहता हूँ आपके यहाँ। तो नईम साहब ने मुझे कहा कि आपने घंटी बजाई। मैंने कहा जी, कहते हैं घंटी बजाई। मैंने कहा नहीं जी, मुझे नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा जाके पहले घंटी बजाइए। तो मैं वहाँ से नीचे आया। अच्छा, मुझे जनरली घंटी नज़र नहीं आई थी। वो किस तरह नज़र नहीं आई? क्योंकि वो दरवाज़ा जो था उसके पीछे थी और दरवाज़ा इस तरह खुला हुआ था, सो आई डिडंट सी। मैं गया, मैंने जाके दरवाजे को हटाया, घंटी मौजूद थी वहाँ पे। उसके बाद मैं वहाँ से मुड़ा और मैं शर्मिंदगी में वापस आया और आके गाड़ी में अपनी बैठ गया। और उस दिन मुझे पता चल गया था कि अब मैं NCA तो नहीं जाने वाला, तो वह प्लान तो ठप हो गया। मगर सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप उस दिन मुझे रख लेते तो जो रास्ता बाद में मैंने तय किया वो मैं कभी ना कर पाता। तो ये मैंने इसलिए कहानी बताई कि आई एम एक्चुअली जेन्युइनली थैंकफुल फॉर दैट वन मोमेंट, क्योंकि कई बार नाकामी जो है वो आपको एक और रास्ते पे डालने के लिए आती है। मुझे लगता है खुदा ने मुझे बनाया इस काम के लिए कि जिन दो लोगों को मना किया या किसी वजह से नहीं जा सके वो भी यहाँ बैठे हुए। मगर वो जो उन्होंने कहा, अगर मैं उस वक्त कहीं दोबारा जाता और मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा होना था, मुझे आज तक मैं एक स्माइली फेस नहीं ड्रॉ कर सकता। मगर वो जब शुरू में मानूर बता रही थी तो मैं चुप था, क्योंकि मैंने कहा मैं भी उतना ही इस चीज से। लेकिन आप जो लोग, जो आप लोग कर रहे हैं सारे के सारे, वो बहुत सारे लोग इस मुल्क के करोड़ों लोग नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मगर आप भी जो एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एज ए टीचर जो आपकी सर्विसेज हैं, पेंटिंग तो एक है ही है, मगर जो एज ए टीचर जो आपने किया, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल। एंड वी नीड टू रियलाइज, यू नो, आज के डे एंड एज के अंदर कि ये कितना इंपॉर्टेंट काम है और कितना बड़ा शोभा है उस्ताद का जो कि होना चाहिए, और इसको वी नीड टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी टू दिस प्रोफेशन। बट सर, थैंक यू। मुझे नहीं पता आपके लिए आज तक कितने लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन मैं चाहूंगा आज बजाना आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।